So hello guys and welcome back to my YouTube channel. And today in this video we'll be talking about an interesting product actually, which has got multiple features. Now as a biker, speedometer, odometer, trip meter, clock, outside temperature, or anyways all the other necessary things which are actually present in the latest motorcycles, digital speedometer, all those things are actually necessary if we talk about riding a bicycle as well, because it actually helps to analyze how much distance you have covered, aap kaun si speed pe chalate ho, average speed kya hai, aapki max speed kya hai, aur jo aapki current speed hogi wo kya hai, at the same time outside temperature kya ho raha hai abhi aur kaun se temperature mein aap chala rahe ho, zyada garmi to nahi hai, aur in sari cheezon ka pata lagane ke liye instrument cluster maine order kiya. प्रोडक्ट का जो परचेस लिंक है एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई प्रोमो कोड कूपन कोड मिलेगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा. सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर एट द सेम टाइम यू कैन एक्चुअली सेव थोड़ा पैसा. नाउ ओपनिंग द बॉक्स, द फर्स्ट थिंग इज़ द यूज़र मैनुअल ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इटसेल्फ. सो इट इज़ एक्चुअली ऑल डिजिटल यूनिट एंड वायरलेस एज वेल. सो इंस्टॉलेशन इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजी. And you have all the necessary brackets. Now this is actually a universal, so city bike, fat bike, BMX or mountain bike, city hybrid bike, in sari bicycles ko aap ye install kar sakte ho. Aur different mounting jo brackets hai iske sath ye aata hai, so depending upon your requirement you can use that and install that. Ab is instrument cluster ki features ki baat kare to ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो KTM ड्यूक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बराबर है और उतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है. एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है और जो इंस्टॉलेशन है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी. एट द सेम टाइम प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वो एक चीज़ है वो मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छी लगी. हालाँकि जो सेल है इसका वो छोटा है, अभी बैटरी तो मैंने इतनी टेस्ट की नहीं है, बट थोड़ी बैटरी अगर बड़ी साइज़ की होती तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है. हालांकि इसका जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है, तो बैटरी बैकअप का जो अपडेट है वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा. इस तरीके से मैंने इसका माउंटिंग बना दिया है. यहाँ पे जो था वो चीज़ यहाँ पे ये था छोटा सा एडाप्टर और ये रोल जैसी चीज़ थी वो थी यहाँ पे. तो अभी जो स्पीडोमीटर है वो मेरा इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मैं फैट बाइक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल बार यहाँ पे काफ़ी जाड़ा है और वो चीज़ बैठ नहीं रही थी. तो अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे लगाऊँगा और थोड़ा हाइट पर आ जाएगा ये स्पीडोमीटर जो है वो, और विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगी. तो पहले मैं इसको यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ. कुछ इस तरीके से मैंने इसको माउंट कर लिया यहाँ पे और स्पीडोमीटर मेरा इसके ऊपर आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सिक्योर हो गया. यहाँ पे मैंने वो लाइट थी वो निकाल दी ताकि वर्क स्पेस थोड़ा और अच्छे से हो जाए, बाद में मैं इसको वापस लगा दूँगा. ये यहाँ पर पीछे टेप दिया हुआ है, इसको निकाल के मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ और ये जो छोटा सा स्विच है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि फिर जब चलाऊँगा तो एक्सेसिबल हो जाएगा कंट्रोल्स के लिए. हाथ उठा के सेंटर पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. अभी जब इसको लगाऊँगा मैं पहले साइकिल पे बैठूँगा और फिर देखूँगा कि कैसे लग रहा है सब. डिजिटल डिस्प्ले कोई कोई एंगल्स में ये सारी इन्फो आपको दिखाएगा, तो बाइक के ऊपर आपको बैठना है पहले और बैठ के फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इसका एंगल कैसे रखना है, क्योंकि जब आप इसमें स्ट्रेट देखते हो तो आपको एक्यूरेट जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिखता है, थोड़ा टिल्ट करोगे तो थोड़ा ब्लर दिखेगा और सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी. एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा. तो इसको ऐसे सेट करना है कि आप जब चलाओगे तो आपको स्पीडोमीटर प्रॉपरली दिख जाए. तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए आप यहाँ पर एक छोटा सा मार्किंग किया हुआ है, तब उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पर. सो गाइज, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो लग गया है. अभी सेंसर को हमें लगाना है फ्रंट टायर की फोर्क के ऊपर
और कुछ इस तरीके से मैंने उसको माउंट किया यहाँ पे, ये बटन डायरेक्टली सेटिंग्स चेंज करने के लिए काम आएगा। तो हाथ उठा के अभी यहाँ तक लाके इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लिमजी है, हाइट बढ़ाया तो सिंगल साइड है, बट स्टेबल है ये और चलाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि आई जस्ट विश कि ये वायर थोड़ा और थोड़ा लेंदी होता, ताकि ये बटन को मैं यहाँ तक ले आता और यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे चिपका पाता। बट ओवरऑल आई थिंक सो इट्स क्वाइट गुड। पीछे सनलाइट ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट मार रहा है, बट दूर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्टेप है वो है ये सेंसर और इस मैग्नेट को लगाना। तो इसका फंक्शन कैसे होता है, स्पीड टायर का जो डायामीटर है उसके अकॉर्डिंगली सेट करना है, और इसको अभी यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको अच्छे से। अभी से वैसे ही लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसको ये स्क्रू खोल के प्रॉपरली अपने फोर्क के ऊपर लगाना है, एंड देन ये जो सेंसर है उसको यहाँ पे लगाना है। तो जब भी कोई रोटेशन होगा तो पता चल जाएगा सेंसर को कि ये टायर रोटेट हो रहा है, और फिर जो सिग्नल है वो यहाँ से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पता चलेगी आपकी स्पीड क्या है और आपके कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और बाकी सारी डिटेल्स। तो अभी इसको पहले खोल के मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और उसके पहले इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे भी हमें टेप दिया हुआ है, और पैकेज के अंदर थोड़े बहुत जिप टाइज भी है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जिप टाइज लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। इसकी ये चीज़ है और यहाँ पे मैग्नेट है, तो मैग्नेट यहाँ पे फेस करे ऐसे मुझे इसको लगाना है, और फिर अंदर एक स्क्रू है छोटा सा, उससे टाइट कर देना है। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया, यहाँ पे वर्टिकली टाइट किया, हॉरिजॉन्टली नहीं किया, वर्टिकली किया ताकि जब रोटेशन हो तो उसकी मूवमेंट ना हो। और सेंसर और इसके बीच में 1 to 5 mm तक का डिस्टेंस रखना है। अब सेंसर्स को जिप टाई लगा के टाइट कर देते हैं। दिखेगा टोटल रन टाइम, यहाँ पे हमारा जो टाइम चलता है वो स्पीड और एवरेज स्पीड यहाँ पे दिखती है। एवरेज स्पीड अभी ये दिखा रहा है क्योंकि बाइक अभी मैं चला नहीं रहा हूँ। तो मोड चेंज करेंगे, ट्रिप अप, देन दिस इज़ एक्चुअली ओडो, और ओडो में आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, करंट टेम्परेचर, वो दिखता है। देन अगेन बैक टू डिस्टेंस। सो स्टॉप वॉच और बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे और इस बटन पे है, और यहाँ पे से आप जाके स्टॉप वॉच चालू कर सकते हो, यहाँ पे आके वो बंद कर सकते हो। देन अगेन गोइंग बैक टू मेन्यू, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं इसको चलाऊँगा तो ये थोड़ा बढ़ेगा बैलेंस, आई जस्ट होप मैं गिर ना जाऊँ। तो जैसे कि वो मोशन में आप देख सकते हैं वहाँ पे 3.7 बता रहा है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है वो। गाइस दिस इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट, मतलब आपकी कोई भी बाइसिकल हो, BMX हो, MTB हो, फैट बाइक हो, देन रेसर या फिर हाइब्रिड सिटी बाइक हो, उसमें आप ये लगा सकते हो। और आपका जो ओवरऑल डेटा होता है, आपने कितना चलाया और कितनी स्पीड पे चलाया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और एक बात अच्छी है, यहाँ पे आपको टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी देखने मिलता है, जैसे आप देख सकते हो स्पीड मैक्स 11 km/h। तो ये स्पीड पे मैंने अभी तक इसको चलाया, यहाँ पार्किंग लॉट में चलाया यार। ये जाता है स्टैंड बाई मोड पे और सिर्फ क्लॉक दिखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से जानकारी मिली। अगर मिली हो, चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपका दोस्त रेवेट अप कर रहा हूँ साइनिंग ऑफ। राइड सेफ एंड एज ऑलवेज।